दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजदाम में भव्य कलश यात्रा के बाद भागवत कथा शुरू हो गई। इस दौरान सिद्धपीठ बालाजी मंदिर ट्रस्ट के महंत नरेशपुरी महाराज की ओर से भागवताचार्य की मंत्रोच्चार साथ पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर भागवत कथा सुनने के लिए हजारों संख्या में लोग भागवत पंडाल पहुंचे। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत कथा में आए अतिथियों का महंत नरेशपुरी महाराज द्वारा सोल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस पूरे भव्य आयोजन में 108 विद्वान पंडित द्वारा श्रीमद् भागवत कथा पंडाल समेपी यज्ञ किया जा रहा है, जहाँ 21 विद्वान पंडित द्वारा 61,000 गायत्री मंत्रों की आहुतियाँ दी जा रही है। मेहंदीपुर बालाजी में यह पूरा भव्य आयोजन 22 जनवरी से शुरू होकर 28 जनवरी तक चलेगा। मंदिर के महंत नरेशपुरी महाराज ने बताया, धाम में श्री बालाजी महाराज की बाल स्वरूप विराजमान है और यह प्रतिमा किसी द्वारा स्थापित न होकर स्वयंभू है। 8 दिनों तक चलने वाले इस पूरे भव्य आयोजन के लिए बालाजी मंदिर व सीताराम मंदिर समेत करीब 5 किलोमीटर एरिया को रंग बिरंगी रोशनी व 3D लाइटों से सजाया गया। बालाज धाम में श्रीमद् भागवत के आयोजन को लेकर 22 बीघा परिसर में बनाए गए कथा पांडाल में 5 स्टार सुविधाओं जैसे बंदोबस्त किए गए। मुख्य पांडाल को बेहद लग्जरी पैटर्न पर सजाया गया, तो वही VIP के लिए बनाया गया लंच कैंपस किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इस पूरे भव्य आयोजन में बड़ी तादाद में लोगों के शामिल होने के चलते 8 डिप्टी SP के नेतृत्व में दौसा व करौल जिले के 1,050 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए।